दोस्तों, अब से कुछ समय पहले तक अगर कोई सोशल मीडिया के थ्रू फेमस होता था तो उसके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब जैसे कुछ चुनिंदा प्लेटफॉर्म्स ही रहते थे। लेकिन अब टिकटॉक ऐप के लॉन्च होने के बाद इसने न जाने कितने लोगों को पूरी दुनिया में फेमस किया है। किसी भी क्लिप का बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल करके हम इस पे वीडियोस बना सकते हैं। और आज टिकटॉक ऐप के इतने ज्यादा यूजर्स हैं कि अगर आपने उस वीडियो में एक्टिंग अच्छी की होगी तो आपकी वीडियो वायरल तो जरूर ही होगी। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे ही कुछ टॉप 10 टिकटॉक स्टार्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे इन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से सभी के दिलों में अपना राज किया। दोस्तों, नंबर 10 पर हमारे सामने आती है मरुनल पांचाल, जिन्होंने अपने शुरुआती दौर में तो इतनी कामयाबी हासिल नहीं की, लेकिन अपनी बेहतरीन एक्टिंग से और ट्रेंडिंग सॉन्ग्स पर वीडियोस बनाने से इन्हें सक्सेस मिलनी शुरू हो गई और आज इनके टिकटॉक अकाउंट पर करीब 3.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। नंबर 9 पर आते हैं फैज बलोच। इनका जन्म 1996 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। इन्होंने अपने दोस्तों के कहने पर टिकटॉक वीडियोस बनानी शुरू की और उसके बाद तो इन्हें सक्सेस मिलती चली गई और आज इनके टिकटॉक अकाउंट पर करीब 2.9 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं। नंबर 8 पोजीशन पर है अर्रू, जिन्होंने अपना टिकटॉक अकाउंट तो अरहम्स के नाम से बना रखा है, लेकिन आज ही अपने फैंस के बीच अर्रू के नाम से फेमस है। इन्होंने अपनी वीडियोस का टॉपिक सबसे हटके चुना और सैड सॉन्ग्स पे वीडियोस बनानी शुरू की। शुरुआत में तो इनकी वीडियोस को ज्यादा पसंद नहीं किया गया, लेकिन बाद में इन्हें खूब कामयाबी मिली। नंबर 7 पर हमारे सामने आते हैं अदनान शेख, जिन्होंने शुरुआती दौर में तो अपने दोस्तों के साथ वीडियोस बनाई, लेकिन बाद में इन्होंने अपना खुद का ही अकाउंट बना लिया और उस पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डालने की वजह से इनका अकाउंट बहुत ज्यादा ग्रो हो गया और आज ये एक फेमस टिकटॉक स्टार बन चुके हैं। नंबर 6 पोजीशन है आमिर अरब के लिए। ये आज अपने फैंस के बीच बैटमैन के नाम से भी खूब मशहूर है। इनके एक दोस्त ने इन्हें एक बार टिकटॉक की एक वीडियो दिखाई, जिसके बाद इन्हें लगा कि मैं इससे ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ, तो बस इन्होंने टिकटॉक वीडियोस बनानी शुरू कर दी और अपनी बेहतरीन एक्टिंग की वजह से इन्हें सक्सेस हासिल करने में भी ज्यादा समय नहीं लगा। नंबर 5 पर हमारे सामने आते हैं हसनैन खान। इनका जन्म 1995 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। शुरुआती दौर में इन्होंने भी अपने दोस्तों के साथ ही वीडियोस बनाई, लेकिन बाद में इन्होंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया और जब इन्होंने देखा कि मेरे दोस्त मुझसे बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं, तो इन्होंने भी अपना एक टिकटॉक अकाउंट बनाया और उस पे वीडियोस डालनी शुरू कर दी। नंबर 4 पर है संकेत सिंह। इन्हें बचपन से ही एक्टिंग का काफी शौक था, लेकिन इनके पास कोई रास्ता नहीं था जिससे ऑडियंस तक अपनी एक्टिंग को पहुंचा पाए और फिर इन्हें किसी ने टिकटॉक के बारे में बताया और टिकटॉक पर वीडियोस बनाने के बाद ये कितने ज्यादा फेमस हुए ये तो हम सभी जानते ही हैं। नंबर 3 पर आते हैं दानिश जहन। इनका जन्म 16 मार्च 1996 को मुंबई, कुर्ला में हुआ। इन्होंने अपना करियर तो यूट्यूब से स्टार्ट किया और उसके बाद ये टिकटॉक पर आए और इन्हें यूट्यूब के साथ साथ टिकटॉक पर भी खूब कामयाबी मिली थी, लेकिन 20 दिसंबर 2018 को इनकी एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। नंबर 2 पर हमारे सामने आते हैं मिस्टर फैजू, जिन्होंने दूसरे लोगों को देखते हुए टिकटॉक पर वीडियोस बनाने शुरू की, लेकिन जब इन्हें लगा कि थोड़े बहुत लोग मुझे देखने लगे हैं, तो इन्होंने इन वीडियोस को और ज्यादा सीरियस लेना शुरू कर दिया और आज ये टिकटॉक पर बहुत ज्यादा फेमस भी हो चुके हैं। नंबर 1 पोजीशन पर है मंजूल खट्टर। इनका जन्म 20 जुलाई 1998 को हरियाणा में हुआ। इनको बचपन से ही डांसिंग और एक्टिंग का काफी शौक था। शुरुआती दौर में तो इन्होंने अपनी वीडियोस को इंस्टाग्राम पर अपलोड किया, लेकिन वहाँ इन्हें कामयाबी हाथ नहीं लगी, जिसके बाद इन्होंने टिकटॉक को चुना और आज ये कितने ज्यादा फेमस हैं ये तो हम सभी जानते ही हैं। दोस्तों, ये थे टॉप 10 टिकटॉक स्टार्स। आपका इनमें से कौन फेवरेट है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इनमें से अगर आप किसी की भी बायोग्राफी जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारी हर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगा।